नमस्कार दोस्तों, आज सावित्री सिन्हा किचन में आपका स्वागत है। आज हमने आलू पराठा बनाने जा रहे हैं। आधा केजी आलू धोकर उबालकर छीलकर मैं ले ली हूँ, और थोड़ा सा पत्ता गोभी है, धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है, प्याज है, क्रश करके ले लिए हैं, तीन फुट बारीक बारीक काट करके, और एक इंच के टुकड़ा में आधी है, और थोड़ा सा पनीर है, वजन में 50 ग्राम है। आलू के मसाला भूनने के लिए कढ़ाई बैठा दिए हैं, चूल्हा जला दिए, तेल डालते हैं, सरसों का तेल है, सरसों का तेल में स्वादिष्ट बनता है। तड़का के लिए सौंफ, अजवाइन, कलौंजी दोनों मिक्स करके लिए हैं, पीला सरसों, जीरा, मेथी दाना, दो मिर्चाई, दो तेज पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, लहसुन आदि का पेस्ट, प्याज, कटी हुई आदि, पत्ता गोभी, हाफ फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी इसमें सारा मसाला डालते ही बारी बारी से, हल्दी पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, मीट मसाला एक चम्मच, और देखिए दोस्तों, मेरा मसाला भून आ गया है। अब इसमें आलू डालते हैं, जो पहले से चोखा बना कर रखा हुआ है, इसको डाल के इसमें मिक्स करते हैं। थोड़ा सा धनिया, एक चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, और पनीर इसमें इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं।
पराठा बनाने के लिए मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब आटा के डो लगा लेते हैं। एक कप मैदा लिए हैं और एक कप गेहूं का आटा, दोनों बराबर बराबर लिए हैं। थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके ले लेती हूँ और दो चम्मच घी मोयन के लिए, सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा नमक डालते हैं। और थोड़ा सा हल्दी डालते हैं कलर आने के लिए, सुंदर लगता है। अब इसको हाथ से अच्छी तरह मिला लेते हैं। आटा का डो मैं लगा ली हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगाए हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसको मसल देती हूँ इस तरह से, और इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देती हूँ। अब मेरा आटा सेट हो गया है, अब रोटी बनाने जाते हैं। सबसे पहले लोई बनाते हैं। इस तरह से गहराई में लोइया को फैला दे और इसमें इस तरह से स्टफिंग भरना है, जितना आ जाए आप भर सकते हैं। जितने ज़्यादा रहता है उतने स्वाद अच्छा आता है इसका। तावा मेरा गरम हो गया है, ऊपर से हीट आ रहा है। अब इस पर रोटी डालते हैं इस तरह से। इस तरह से चारों ओर रोटी को सेके देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, रोटी बहुत अच्छा सिका गया है। इसी तरह से सारा रोटी है सेकेंगे। मेरा आलू का पराठा बनकर तैयार है दोस्तों, सर्व करने के लिए। और मेरा आलू का पराठा का रेसिपी आप लोग के कैसा लगा वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।